Hey guys, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माई चैनल HPT। कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशी से रह रहे होंगे। तो आज है मेरी स्किन केयर सीरीज का तीसरा दिन और आज मैं शेयर करने वाली बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सुपर्ब होम रेमेडी। और मैं श्योर भी देती हूँ आपको इस बात की, इस रेमेडी को लगाने के बाद आपको अपनी स्किन से डेफिनेटली प्यार होने वाला है, आपको अपनी स्किन बहुत ही प्यारी लगने वाली है और आप खुद कहोगे कि काश मैंने ये रेमेडी पहले लगाई होती। अभी कुछ देर पहले मैंने इस रेमेडी को अपने स्किन पर लगाया और मैंने अपना फेस क्लीन किया और आप देख सकते हो कि मेरी स्किन कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है। ग्लो देख रहे हो मेरी स्किन का? बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। इतनी गारंटी, इतनी श्योरिटी मैं इस चीज की इसलिए दे सकती हूँ कि जिन जिन लोगों के साथ मैंने आज तक ये रेमेडी शेयर की है, इनफैक्ट मेरे घर में भी मेरी मम्मी, मेरी बहन, जितने लोगों के साथ मैंने ये शेयर किया, उन सबको ये रेमेडी बहुत ही अच्छी लगी, सबके ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला और सबको अपनी स्किन से बहुत प्यार हुआ है। बहुत ज्यादा उनको अपनी सॉफ्ट लगी, बहुत स्मूथ लगी, जो डिसकलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो उनकी दूर हुई है, जो पिगमेंटेशन जो आपकी सनटैन हो जाती है, और स्पेशली जिनकी एक्ने प्रॉन स्किन है, ऑयली स्किन है, उन लोगों के लिए रेमेडी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। जब भी हम कभी वेकेशन से आते हैं, 5-6 दिन वेकेशन के लिए क्या गए, हमें अपनी स्किन बहुत ज्यादा सनटैन हमें लगता है, हमें अलग ही लगता है कि भाई अब तो पार्लर जाना ही पड़ेगा, ब्लीचिंग लेना ही पड़ेगा या फिर हमें डी टैन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी गंदी लगती है, इतनी काली लगती है स्किन कि खुद को भी यकीन नहीं होता कि यार ये मैं ही हूं ना। ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ और थी, अभी 5-6 दिन वापस के लौट गए, स्किन अलग ही आ गई है। तो हमें ये चीजें अवॉइड करनी है। हम जब भी ऐसे अभी वेकेशन पे जाएंगे या वेकेशन पे नहीं भी गए हैं, काम की वजह से जाके स्किन पे सन टैन हो चुका है या पिगमेंटेशन डिस्कलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्ने प्रॉन स्किन है, या आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो चुकी है, बेचारे बिल्कुल भी नहीं चमकती है, तो उन सभी लोगों के लिए रेमेडी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। लेकिन आपको कभी भी आपको केमिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी ऐसी चीजें आती है तो हमेशा पार्लर में भागते हैं कि भाई वहां पर आपके पैसे तो लगे, वो अलग चीज, एक ही बार डी टैन लेने में आपके 500-600 रुपए आराम से लग गए, लेकिन इसके साथ साथ आपकी स्किन कितनी ज्यादा डैमेज हो जाती है इस चीज का आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। आपके अगर लॉन्ग रन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, जो हमारे स्किन का मेलानिन प्रोडक्शन हो जाता है वो डिक्रीज कर देता है ये। इसलिए कभी भी हमें ब्लीचिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, डी टैन के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि केमिकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ब्लीच में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि एक ब्लीचिंग एजेंट है, और ये आपकी स्किन का जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्री मेच्योर स्किन एजिंग, ड्राई पैचेस, आपके स्किन पे ब्रेकआउट निकलना, ये सारी प्रॉब्लम्स आनी आपको स्टार्ट हो जाती है। कहीं भी अगर आपका जाने का प्लान है तो आराम से जाइए, खूब मौज मस्ती करके आइए, आराम से घूम फिर कर आइए, क्योंकि कोई घबराने की बात नहीं है, कहीं से डी टैन या ब्लीचिंग लेने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं लेके आई हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी होम रेमेडी जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगी, और उसके साथ साथ ना सिर्फ आपको अच्छा रिजल्ट देगी, इनफेक्ट लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए तो आपकी स्किन को बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ग्लोइंग, बहुत ही सॉफ्ट बनाएगी। तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट की तरफ नहीं भागना है, हमें वो देखना है कि क्या आपकी स्किन के लिए अच्छा है, क्या आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा और आपकी स्किन को लंबे टाइम तक अच्छा रखेगा। बिफोर वी गेट इन टू द वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हे गाइस, दिस इज शालिनी एंड यू आर वॉचिंग HPT। अगर आपने मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बहुत बड़े वाला वेलकम। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलेंगी रिलेटेड टू हेल्थ, हेयर एंड स्किन केयर, बहुत अमेजिंग होम रेमेडीज यहाँ पे शेयर होती है, आपके सुपर रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं रेमेडीज इन तीनों से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ HPT। इसके साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बड़े वाला, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डैम श्योर मेरा वीडियो देखने के बाद, मेरा कंटेंट देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर देंगे और साथ ही देंगे वीडियो को एक बहुत बड़े वाला लाइक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
पर मैंने दो रेमेडी शेयर की, एक में मैंने कच्चे दूध को यूज किया है, दूसरे में मैंने टमाटर और हनी को यूज किया है। दोनों भी बहुत अमेजिंग है, लेकिन मैं अभी बताना चाहूंगी कि जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है या फिर जिनकी ऑयली स्किन है वो कच्चे दूध वाली रेमेडी को ट्राई ना करें, बाकी आप टमाटर और हनी वाली रेमेडी को ट्राई कर सकते हो। और इसके साथ ही दोनों ही रेमेडी बहुत ही अच्छी है, और जिनकी नॉर्मल से ड्राई स्किन है वो दोनों रेमेडी को ही ट्राई दे सकते हैं। ट्राई जरूर करना यार, इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाती हूँ ताकि आप लोगों को भी उसका फायदा उठा सको। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, कितने दिन बाद आपको देखने को मिला। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि जो मेहनत मैं कर रही हूँ ये वीडियोस बना रहे हैं वो मेरी सफल हो रही है। आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट इससे देखने को मिल रहा है। साथ ही मिलते हैं हम कल एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही अमेजिंग सुपर्ब होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।